नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट वेदास में। आज हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस जो इतना गिरावट देखने को मिल रहा है, उसका क्या कारण है? जैसे क्यों ये गिर रहा है इतना? जैसे कि 4038 पर भी ट्रेड कर रहा है और जो सपोर्ट लेवल है उसको भी ब्रेक कर रहा है। उसका एक न्यूज़ आया है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इनका ना एक ब्लॉक डील हुआ है, ब्लॉक डील में 9,000 करोड़ के हिसाब से शेयर्स बेचे गए हैं, और 9,000 करोड़ कम राशि नहीं होती है, इसलिए ना हुआ है। और इसका क्या था, एक जो फेक न्यूज़ पर फैलाया गया था, टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला, तो यहाँ साफ साफ लिखा है टू अवॉइड, मतलब इनको आईपीओ नहीं लेके आना है, इसलिए ना ये हो रहा है, ये शेयर्स गिराए गए हैं और इन्होंने ब्लॉक डील किया है। कितना? 2.34 करोड़ शेयर्स बेचे गए हैं, 2.34 करोड़ शेयर्स बेचे गए हैं टीसीएस के, और फ्लोर प्राइस है 4,001 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और अभी मार्केट जो चल रहा है वो ज़्यादा ही भाव पे चल रहा है, 4,030-35 पे चल रहा है। और ये जो फ्लोर प्राइस था मंडे के, जो प्राइस था ना उसके हिसाब से, मंडे का कितना था, 4,150 के हिसाब, 150 का भाव था, मगर उन्होंने 3.6% ना डिस्काउंट में बेचा है, मतलब 4,001 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेचा है, इसलिए ना ये दबाव देखने को मिल रहा है। और अभी इसकी बात किया जाए, टाटा सन्स के पास इनका कितना शेयर है टीसीएस का, तो अभी भी इनके पास ना बहुत सारा शेयर्स है, जैसे कि 72.38% स्टेक है, और इन्होंने टोटल 72.38 में से कितना बेचा गया, 0.65% बेचा गया, मतलब 0.65% बेच के इन्होंने 9,300 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिया है, वो भी ब्लॉक डील से। तो एक बहुत ही अच्छा देखने को रिकॉर्ड मिल रहा है। और अभी देख लीजिए, एक टेक्निकल्स की बात किया जाए ना, तो एक सपोर्ट लेवल जो है ये वाला है, 3,950 रुपये का एक सपोर्ट लेवल है। जी हाँ दोस्तों, 3,950। और अभी आप मान कर रखिए, जैसे कि शाम तक रिपोर्ट आएगा कौन कितना ब्लॉक डील में कितना खरीदा है, फाई वाले खरीदे कि नहीं खरीदे, म्यूचुअल फंड वाले खरीदे कि नहीं खरीदे, उन्होंने खरीदा ही होगा, नहीं कि मोस्ट ऑफ चांस क्या रहता है ना, जब भी कोई ब्लॉक डील होता है ना तो उसके बाद में ना एक थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिलता है। जैसे कि अभी 4,043 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, और ये हमको ना कम से कम अभी ये जो सपोर्ट एरिया है ना यहाँ तक देखने को मिल सकता है, 1-2-3 ना धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगा, और ये कंटिन्यू यहाँ 4 से 3,950 तक देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल आपको देखने को मिला ना, तो पहला टारगेट जो रहेगा वो 4,100 तक का देखने को मिलेगा। ये सब हम ना आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें कई लोगों के शेयर्स इसमें लगे रहते हैं। टीसीएस क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए बेस्ट है, कभी भी इन्वेस्ट करो हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा, क्योंकि इनका जो नियम है 3 साल में, इसका 3 से 4 साल में ना पैसा डबल करने का रहता है, तो एक तरह से फायदेमंद रहेगा। अभी आप ना अगर नया एंट्री माना तो 3,950 तक का एक बार वेट करिए, अगर ये अच्छा सपोर्ट रहा, रिवर्सल देखने को मिला, तो टारगेट हमको 4,100 तक देखने को मिलेगा। अगर ये भी टूट गया तो सीधी बात है आपको 3,780 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। अभी ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई है तो मोस्ट ऑफ चांस है थोड़ा थोड़ा और करेक्शन हो सकता है। बाय सेलर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।